उनके लिरिक्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, बुलिंग पे बात हो रही होती है, बॉडी शेमिंग पे बात हो रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आजकल जितना ज़्यादा केपॉप का फिनोमेना फैल गया है वो इसी वजह से फैला है बिकॉज बहुत सारे सॉन्ग्स उनके रिलेटेबल होते हैं। मैं केपॉप कम्युनिटी की फाउंडर हूँ, केपॉप कम्युनिटी इन पाकिस्तान की, एंड उसके अलावा मैं केकॉन पाकिस्तान की फाउंडर हूँ। हम लोग केकॉन पाकिस्तान के अंडर इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स करते हैं, चैरिटी प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स और फेस्टिवल्स रिलेटेड टू केपॉप। हम लोगों ने केकॉन पाकिस्तान लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और उससे पहले अराउंड 2016 से हम लोग पाकिस्तान में इवेंट्स और मीटअप्स करते आ रहे हैं। पहले बहुत कम लोग थे केपॉप कम्युनिटी में जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। हम लोगों ने केपॉप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, प्रोजेक्ट्स किए डिफरेंट के पाकिस्तान में, प्रोजेक्ट्स इस तरीके के किए कि प्रमोट हो केपॉप, सो वी हैव पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट जिनके साथ हम अपना पैशन या जो हॉबीज़ हैं वो शेयर कर पाएँ। जब सॉन्ग्स चल रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये सॉन्ग उन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है, स्टडीज़ पे बात हो रही होती है काफ़ी सॉन्ग्स में, एग्ज़ाम्स की बात हो रही होती है, या इट इज़ रिलेटेड टू सम फैमिली इश्यूज, तो यू नो यू कैन फील कनेक्टेड टू इट, जिस वजह से बहुत वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना इस वक्त फैला हुआ है, बिकॉज बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, टीनएजर्स हैं, दे कैन रिलेट टू इट। मेरा अपना फेवरेट कोरियन सॉन्ग बिग बैंग का है फैंटास्टिक बेबी। उसके अलावा BTS के जो सॉन्ग्स हैं उसमें से मुझे रिसेंटली सेव मी और रन BTS बहुत ज़्यादा पसंद है।